आज में इस वीडियो में आपको बताएंगे हम ऐसे कैसे हम बना सकते हैं काइंड मास्टर से। ठीक है दोस्तों, और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर लाइक करना ना भूले दोस्तों। आपका शेयर लाइक ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ऐसे सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अगर कृपया आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो लाऊं, जो आप लोग वीडियो देख के सीख सके दोस्तों। और हमारे चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत जिन आदमी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लाया हूँ काइंड मास्टर, क्योंकि इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ, इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ जो आप फ्रेम में अपना फ़ोटो कैसे लगा के वीडियो की तरह प्रोफेशनल वीडियो बना सकते हैं। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, और मैं आपको बताना जा रहा हूँ। इसमें मीडिया ब्राउजर है सबसे ऊपर, मीडिया ब्राउजर में जाए उसका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में जाए उसके बाद है वाइट बैकग्राउंड चुन लिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले दोस्तों, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिए। और इसके बाद है फिर लेयर में जाए, लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाए, तो मीडिया में जाने के बाद अपना है जो अपना कोई भी सा बैकग्राउंड, सॉरी बैकग्राउंड नहीं, ये फ्रेम चूज कर ले। जैसे कि मैं आपको ये फ्रेम चूज करके बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो देख रहे हैं ये हमने इसे जो थोड़ा फुल स्क्रीन कर ले, और इसके बाद है जो इसे क्रोमा की पे जाए, उसके बाद ऊपर से इनेबल कर दे, और इनेबल करने के बाद दोस्तों जो ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है वो कलर ले ले, या देख ले दोस्तों वाइट हो गया है यहाँ, और मैं इसको ठीक है दोस्तों यहाँ वाइट आ गया। और इसके बाद आपको करना है क्या, बता दे दोस्तों। और इसके बाद है जो इसे ऊपर से सही का निशान मार दे, और जो फिर लेयर मिल जाए
मीडियम में जो है, उसके बाद जो अपना ई मैग है जो अपने चूज़ कर लीजिए ई मैग, जो भी आपका ई मैग है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैं अपना कैमरा में गया, कैमरा में जाने के बाद मेरा ये ई मैग है। ओके दोस्तों, मैं इसे देखना है जो हमारा कहाँ से कहाँ तक आ रही है। इसे भी थोड़ा बैकग्राउंड बढ़ा लेते हैं क्योंकि फ्रेम हमारा थोड़ा बड़ा है। ओके दोस्तों, इतना बड़ा है फ्रेम, इतनी बड़ी फ्रेम है। जैसे मैं यहाँ तक तो ये फोटो के दोस्तों, और इसके बाद है जो सेंड टू बैक पे क्लिक करें, सेंड टू बैक पे किए, आप चाहे तो जितना बड़ा भी कर सकते हैं। और इसके बाद है उसके बाद आप है जो देखते जाइए कहाँ तक जा रहा है नहीं जा रहा है, यहाँ तक आया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो हमारा ठीक है, जैसे मैं आपको वीडियो चला करके दिखा रहा हूँ हमारा थोड़ा। तो आपको दोस्तों मैं चला कर दिखा दे रहा हूँ कितना बार है। तो ये देखे दोस्तों, अगर इससे आगे भी आप अपना फ़ोटो लगाना चाहते तो लगा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं सब आज मैं बताने वाला हूँ। ओके दोस्तों, हमारा है जो यहाँ तक है, यहाँ तक हमारा फाइनल हो चुका है। यहाँ पर सब हमें जो नया फ़ोटो लगाते हैं, जैसे मीडियम में गए, मीडियम में जाने के बाद हमें करना है, चलो मैं किसी का भी फोटो चूज कर लेता हूँ, जैसे ये मेरी लड़की है। यहाँ पे आप सेंड टू बैक जैसे आगे मैंने लगाया हूँ दोस्तों, थोड़ा नीचे कर लिए जैसे यहाँ पर, तो थोड़ा किस डिजाइन में हम फोटो ला सकते हैं अब यहाँ पर करते हैं। ऐसे में भी हो सकता है, रनिंग में भी आ सकता है फोटो दोस्तों, और जो ऐसे में भी हो सकता है फोटो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर यह भी हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया है। उसके बाद फिर हम लेयर में जाए, फिर लेयर में जाने के बाद है जब कोई दूसरा फ़ोटो आप चूज़ कर ले, जैसे ये फ़ोटो हमने ला चूज़ किया। तो दोस्तों इसे भी सेंड टू बैक कर दीजिए, आप अपना है जो वीडियो भी लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप अपना है जो वीडियो भी लगा सकते हैं, जैसे मैं आपको मैं करके बता रहा हूँ। इसे हमने मार दिया,
और इसके बाद है जो मैं स्टार्ट करके बता रहा हूँ दोस्तों, ये देखे दोस्तों अपना थोड़ा देर का वीडियो था, थोड़ा ही देर का वीडियो था, इस हिसाब से हमने लगाया है यहाँ पर। तो दोस्तों हमारा जो यहाँ पर से हमने अपने वीडियो जो सेट कर लिए, और इसके बाद जैसे सही मार के यहाँ से यहाँ तक आप चला के देख सकते हैं जैसे कि हमने बनाया है, जैसे देखें दोस्तों। और जो इससे आगे जो हमारा जो वीडियो चलने वाला है, आप अपना वीडियो भी सेट कर सकते हैं, जैसे देखिए कि मैं अपना ये मेरा ही रिकॉर्डिंग है, कैसे अपना फ्रेम में अपना रिकॉर्डिंग से कैसे सेट कर रखे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग। और हमारे चैनल सब्सक्राइब शेयर जरूर करें दोस्तों, और इसे आपको कहाँ से फ्रेम लोड करना है ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ। यूट्यूब में जा करके आप ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट बोलिएगा और ग्रीन स्क्रीन बहुत ही सारा आ जाएगा दोस्तों, आपको जो जो पसंद होगा वो आप डाउनलोड कर लीजिए। और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। और जो शेयर भी करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपके लिए मैं अच्छा 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 बहुत ही अच्छा वीडियो लाऊँ जो आप देख करके आप सीख सकें कैसे वीडियो एडिटिंग करेंगे काइंड मास्टर से। तो आपको कैंड मास्टर कहाँ से डाउनलोड करना है, तो अपने प्ले स्टोर में जा करके कैंड मास्टर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं एक बार और अपना वीडियो यहाँ से स्टार्ट करके आपको मैं दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। तो ये देखें, अगर आप इस पर गाना सेट करना चाहते हैं तो ये देखें ऑडियो लिखा हुआ है, ऑडियो पर जाकर के आप गाना सेट कर सकते हैं इस पर। और आप सोच रहे होंगे कि इसे हम ऐड कैसे करेंगे, तो ऐड भी करना आपको मैं बता दे रहा हूँ आप ऐड कैसे करेंगे। तो आप जो ऐड करना यहाँ जाए, ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ जाए सेव टू गैलरी, सेव टू गैलरी, यहाँ से जा करके आप जिस क्वालिटी का ऐड करना चाहते हो उस क्वालिटी का ऐड कर ले दोस्तों। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अब अगले वीडियो में। हमारा चैनल शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।